Yeah. यूसुफ बहुत ज़्यादा खुश है कुछ भी घर में नया आया तो बच्चे कितना खुश होते हैं ना जी वैसे ही मेरे यूसुफ़ का भी हाल है एक्चुअली मेरा यूसुफ है ना मेरे से इसी साल ज़्यादा मतलब ये दो साल ग्यारहवीं बारहवीं में मेरे से अटैच हुआ है नहीं तो वो पात्री साहब के साथ ही रहता है देखिए अगारों का पैन निकाल के बोल रहा है अम्मी गेम में ऐसे ही पैन मिलते और वो पैन से अटैक करने का रहता ये पेन कितना वज़न है ना अम्मी सामने वाले को अटैक करे तो सर फूट जाता <laughs> और ये अगारों का स्टिक वैक्यूम क्लीनर है कॉर्डलेस है बहुत अच्छा है एकदम सुपर हम जैसे बीजी किचन क्वीन के लिए एक ज़रूरी चीज़ है जैसे हम हर चीज़ में अपडेट करते हैं ना तो ऐसे घर के कुछ चीज़ों में भी अपडेट होना चाहिए जी इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे जहाँ मैंने नाम लिखा है ना मेरे यू वीडियो का उसके नीचे एक मोर बोल कर आता है वहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपको ये तीनों के लिंक मिल जाएंगे आप चेक करेंगे तो आपको प्राइज़ और हर चीज़ डिटेल में मिल जाएगी ये है देखिए वैक्यूम क्लीनर के साथ कितने सारे अटैचमेंट आए हैं ये छोटा वाला सोफ़ा साफ़ करने का है और ऐसे जहाँ हमारे हाथ नहीं जाते हैं उंगलियां नहीं जाते हैं वहाँ पर हम इससे डस्ट निकाल सकते हैं हमारे घर के हिसाब से हम अपने हिसाब से जहाँ चाहें उसका यूज़ कर सकते हैं चलिए पहले चार्ज लगाते हैं जैसे घर में छोटी बैटरी का चार्जर होता है ना ये वैसे ही सेम है और यहाँ इंडिकेट कर रहा है देखिए ये चार्ज हो रहा है बोलकर और ये उसका सेकेंड अटैचमेंट है इससे कर्टन बेडशीट जस्ट कपड़ों पर कहाँ भी धूल होंगी तो वो निकाल सकते हैं और ये देखिए वॉल पर माउंट करने का है ये ड्रिल मशीन से दीवार पर चिपकाना है उसमें आप वैक्यूम क्लीनर हैंग कर सकते हैं जब घर जाऊंगी तो करके दिखाऊंगी आपको इसका ये मेन यूनिट है चार्जर है और ये अभी बताई आपको और ये कर्टन वग़ैरह साफ़ करने का बोलकर ये बताई और ये साइड वाले का तो यूज़ मैंने करके बताया है और आगे भी करूंगी देखना वीडियो पूरा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ये कारपेट और फर्श क्लीन करने वाला है और इसकी स्टिक इतनी लंबी है काफ़ी अच्छा पैक होके आया था इसकी लंबाई वगैरह देखिए मैं इंचस में बता रही हूँ आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से देख सकते हैं से यूज़ करके देखा है ये ब्रश को देखिए यहाँ से इस तरह से निकाल के फिर साफ करके वापस इसी में अटैच करना है यहाँ नागपुर में बहुत सर्दी है जी और आज तो इतनी जोरों की ठंडी ठंडी हवाएं चली हैं वैसे ही पहले बात करने में थोड़ा सा तो दलती हूँ आपको तो पता ही है और उसमें ठंडी की हवाएं लग रही हैं तो और भी ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं ठंडी लगने के बाद कैसे होता है वैसे हो रहा है जी चलिए ये देखिए वो नीला जो बटन है उसको प्रेस करने के बाद में ये इसमें अटैच हो जाता है और इधर भी इस तरह से नीला प्रेस करने के बाद और ये इसमें जाएगा आराम से एक बार जॉइंट करना है बाद में बार बार करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इसके दो लेवल है आप नोटिस कर सकते हैं वैसे लो पावर पर ही काफ़ी अच्छा काम करा था ये मैंने फ़र्श वग़ैरह साफ़ की थी ना तो हाई पावर पर करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी अभी मैं आपको अच्छे से कचरा बताऊं बोलकर देखिए थोड़े से पेपर के टुकड़े मैंने कट करके फर्श पे डाले हैं ताकि आप इसका काम अच्छे से देख सकें यहाँ पर तीन एल लाइट भी हैं देखिए और बहुत अच्छी फर्श साफ़ हो गई थी मतलब जिस दिन पोछा मारना ना हो ना उस दिन ये हम चला सकते हैं कितने मिनट चलेगा ये सब कुछ आपको पूरा मैनुअल पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा वैसे ट्वेंटी टू मिनट या उससे ज़्यादा ही ये कम पावर पर चलता है दस मिनट में ही मैंने पूरा घर इसी से झाड़ू मार लिया था ये देखिए इसका दूसरा अटैचमेंट लगा के हम इस तरह से जाले वगैरह भी साफ़ कर सकते हैं ये देखिए खूब सारा कचरा जमा हो गया है ना डस्ट तो है ही बस एक ही रूम जो साफ करी हूँ खिड़की वगैरह ऊपर के जाले वगैरह और ये पेपर तो मैंने आपको बताने के लिए ही कट किया था जस्ट ऐसे प्रेस करेंगे तो ये बैठ जाएगा और इधर से देखिए इस तरह से प्रेस करेंगे ना तो यहाँ का ये स्पंज बाहर निकल कर आएगा महीने में दो महीने में एक बार इसको अच्छे से झटकार के हो सके तो धो कर भी सुखा कर अच्छे से लगा सकते हैं वैसे अच्छे से झटकार देंगे तो धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है क्योंकि मैं मेरे पास और दो वैक्यूम क्लीनर है आपको पता ही होंगे मैं उसका कोई धोती होती नहीं हूँ अगारो का स्टिक वैक्यूम क्लीनर मॉडल इसका एलिगेंट है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एक्चुअली पात्री साहब है ना मुझे डांट रहे हैं हर हमेशा वही कपड़े पहनती हो कुछ चेंज कर लो बोलकर तो आज मेरी शॉपिंग के लिए गए थे पर मुझे कपड़े पसंद नहीं आए बस किराना बाज़ार लेके घर आ गए एक मंडअप उधर का निकल गया और इधर दूसरी शादी चालू हो गई अब इधर से रास्ता बंद हो गया थोड़ी थोड़ी पैकिंग चालू कर दी है यूट्यूब बटन को मैंने घर भेज दिया जी चलिए अगारो का ट्राई प्लाय स्टील फ्राई पैन का का नहीं जी को अनबॉक्सिंग करते हैं काफ़ी अच्छा फ्राई पैन है स्टील का है काफ़ी वज़नदार है और ट्राई प्लाय है मतलब इसमें खाना जल्दी जलता नहीं है स्टील का है मतलब थोड़ा दाग लगता है पर इतना नहीं कि क्या बोलूँ मैं आपको आप छोड़कर एक घंटा दूसरी तरफ चले जाएंगे और बोलेंगे स्टील में जल गया ऐसे नहीं सामने खड़े रहेंगे तो बहुत अच्छा बनता है कितने इंचस का है आप देख लीजिए मैंने इसमें करेले की सब्जी बनाई है आप देखिए बिल्कुल जला नहीं है और वो भी मैं इसमें भून भून कर ही बनाई हूँ अगर घर में शुगर पेशेंट हैं तो हफ्ते में तीन बार चार बार तो करेले बनते ही बनते हैं अगर करेले हमेशा मसाले डाल डाल के बनाएंगे ना तो खाने में उतना मज़ा नहीं आएगा जस्ट ऐसा सॉटे कर देंगे ना तो इतने टेस्टी करेले लगते हैं ज़ुबान का ज़ायका बदल जाता है तेल डाला दो चुटकी ज़ीरा डाला और करेले कट किए जस्ट बीज निकाले आप चाहें तो बीज रख भी सकते हैं उसको अच्छे से सौटे कर लिया पूरा पकने के बाद नमक और मिर्च डाल दिया बस करेले तैयार हो गए चलिए यहाँ पर अगारों की स्टील की ट्राईप्लाई की कढ़ाई का अनबॉक्सिंग करते हैं एक्चुअली ये जो कढ़ाई है ना बिरयानी पुलाव पकाने के लिए बहुत परफेक्ट है इसके लिड पर है ना होल नहीं है जस्ट हम आटा लगा के या कपड़ा लगा के भी दम छोड़ देंगे ना तो इस पर बिरयानी तो सुपर बन के आएगी और ट्राईप्लाई है तो जलने का तो डर कम से कम ही है और काफ़ी मज़बूत है फ्राई पैन का और ये कढ़ाई का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप जाकर ज़रूर चेक करें सर्दियों के दिन में सब्जियां कितनी प्यारी आते हैं ना और हर एक अलग अलग टाइप के और एकदम फ्रेश आते हैं ये तो गांठ गोभी या बंद गोभी जो है ना साल में मैं एक ही बार खाती हूँ <laughs> क्योंकि एक ही बार मिलता है यहाँ आए तब से तो मतलब पिछले साल भी खाई थी और ये साल भी खा रही हूँ ऊपर का छिलका निकाल दिया अब इसको आलू की तरह बारीक बारीक कट करूँगी इसे भी मैं बहुत ज़्यादा ताम झाम के साथ नहीं बनाऊँगी सिंपल सा ही बनाऊँगी पर इतना टेस्टी बन है गरम गरम सब्जी गरम गरम रोटी ठंडी के दिन का जायका बदल जाएगा बहुत टेस्टी बनते हैं सिंपल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और वो भी स्टील के कढ़ाई में क्योंकि हेल्थ का भी होता है ना जी हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए अगर आप बार बार जर्मन की कढ़ाई वगैरह में बनाते होंगे तो ना बनाएं स्टील की कढ़ाई या तो फिर मिट्टी की कढ़ाई मिट्टी की कढ़ाई हैंडल करने में आसान नहीं होती है ना तो स्टील की कढ़ाई बेहतर होती है तेल डाला राई डाला जीरा डाला और प्याज़ डाला यहाँ कैमरा कुछ गड़बड़ लगा दी उसके बाद कड़ी पत्ता डाला अच्छे से प्याज को सॉफ़्ट कर लिया और गांठ गोभी को अच्छे से धोकर पानी में छोड़ी थी और डायरेक्ट निकाल कर इसमें डाल रही हूँ उसी के साथ जितना पानी जाएगा बस उसी में सौटे करूँगी हल्दी नमक लाल मिर्च पाउडर और वो भी मैं डाइट कर रही हूँ बोलकर मिर्च पाउडर कम डाल रही हूँ आप अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं घटाइए मत वैसे ही कम डाली हूँ मैं <laughs> देखिए होल नहीं होने की वजह से भाप बिल्कुल बाहर नहीं जाती है ये कढ़ाई से सुपर कढ़ाई है ये देखिए मैंने इसी में इसको दम छोड़ा सोटे किया नीचे बिल्कुल दाग नहीं लगा है और मैं कम फ्लेम पर नहीं बनाती हूँ मैं ज़्यादा फ्लेम पर ही बनाती हूँ चलिए ठंडी की सौगात तीखी तीखी लाल मिर्च आई है <laughs> लाल नहीं जी हरी मिर्च और मेरा हरी मिर्च का अचार ख़त्म हो गया है और अचार तो लगता ही है घर में मैं इससे पहले भी आपको बताई थी कि अगर टमाटर वगैरह नहीं है महंगे हुए हैं तो अचार डालकर वारंगा खिचड़ी बनाइए यहाँ देखिए असर की नमाज पढ़ ली हूँ उसके बाद सुबह सुबह ही मिर्चियाँ धोकर सुखा कर आई थी लाई नीचे यूसुफ देखिए जी मेरे जैसा ओढ़ गुंडाल के सोया है ठंडी <laughs> लग रही है और पढ़ाई कर कर के थक भी गया है सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हुआ है और उसको पढ़ाई कंट्रोल नहीं हो रही है और ठंडी की वजह से नींद ज़्यादा आ रही है सब गड़बड़ चल रहा है असर के नमाज़ के बाद थोड़ा सा अल्लाह को याद करने के लिए बैठी हूँ क्योंकि कल भी हुआ नहीं था मेरे हाथ से क्या पढ़ रही हैं बोलकर कमेंट करेंगे तो आप इससे पहले का वीडियो देख लीजिए क्योंकि मैं बहुत कम ही पढ़ रही हूँ सर्दी की वजह से और क्या बोलूँ थोड़ा सा मन उचाट खाया है थकावट थकावट लग रहा है तो नमाज तो बड़ी मुश्किल से पढ़ी जा रही है तो बाकी तो इबादत पीछे रह जा रही है चलिए खैर कोई बात नहीं अल्लाह बड़ा है वापस ला लेगा और या हमीदों या हमीदों ज़्यादा पढ़ना चाहिए तो अगर वापस अल्लाह के तरफ आना है नेक नेक काम करना है तो उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ ली अगरबत्ती लगाई और सुकून से थोड़ी देर बैठ कर कुरान के मीन मीनिंग सुन रही हूँ चौबीसवां सिफ़ारा चालू है मिर्चियाँ भी साफ़ हो गई डेट निकाल दी मैं अक्सर डेट नहीं निकालती हूँ पर मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने डेट निकाली है आधा किलो फली तेल गरम कर रही हूँ आप जो तेल खाते हों घर में रेगुलर जो तेल चलता है वही तेल अचार में डालें अब कमेंट आएगा प्लास्टिक की भरनी में अचार क्यों डालें <laughs> मिर्चों को दो तीन भाग में जैसे लंबी हो तो तीन छोटी हो तो दो भाग में मैंने कट कर ली है बहुत तीखी हरी मिर्च है बाकी उधर रख के आके ये पहले साफ कर रही हूँ क्योंकि गलती से यूसुफ के पैर में वगैरह आ गया और वो पैर खुजाया और आंख खुजाया तो फिर परेशानी आ जाएगी दुपट्टा झटकार के जाके पहले वॉशिंग मशीन में डालूंगी क्योंकि इधर उधर रखी मैं खुद ओढ़ लूंगी तब भी परेशानी आ जाएगी तीखा तीखा लग जाएगा झाड़ू मार के पोछा मार ली उसके बाद वापिस इधर आई हूँ प्लास्टिक के भरनी में क्यों बोले तो बड़ी भरनी घर में है और मैं अक्सर अचारें डालती भी हूँ प्लास्टिक के भरने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद मैं थोड़ा ज़्यादा अचार डाल रही थी इसलिए प्लास्टिक में डाल रही हूँ ये लगभग एक से सवा किलो हरी मिर्च है इसमें मैंने बड़े बड़े चम्मच से छः चम्मच नमक डाला है और दो चम्मच हल्दी पाउडर डाला है बाद में टेस्ट करके हिसाब से नमक ऐड भी करूँगी और ये काफ़ी बड़ी भरनी है तो मुझे परात वगैरह में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसी में देखिए नमक और हल्दी मिक्स हो गई उसके बाद दो कप मतलब आधा लीटर उतना वेनेगर जाएगा इसमें पहले मैंने कम डाला है बाद में क्योंकि मेरे पास वेनेगर ख़त्म हो गया है बाद में मंगवा के मैंने एक कप इसमें ऐड किया था इधर तेल गरम हो गया था मसाला डाल के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दी हूँ और बर्तन काफ़ी देर से धोई नहीं क्योंकि मिर्च का काम करने के बाद बर्तन कपड़े धोएंगे तो हाथ का तीखापन पूरा चला जाता है इसलिए अभी बर्तन धो रही हूँ उसके बाद ये आ गई ईशा की नमाज पढ़ने के लिए आज देखिए मैं आचार पर भी म्यूजिक नहीं लगाई पूरा डिटेल बता रही हूँ <laughs> क्योंकि म्यूजिक लगाई तो फिर कुछ बातें होती हैं आपको तो सारे पता ही होते हैं क्योंकि हम किचन क्वीन हमारा हमेशा का काम है फिर भी कुछ एक बात भूले गई रहती है ना तो हमारे वीडियोस से याद आ जाता है और जो नए हैं उनके लिए तो हेल्प हो जाता है पूरा ठंडा होने के बाद लगभग रात के ग्यारह बजे के आसपास मैंने ये मसाला इसमें मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके गैस काउंटर पर ही रखूँगी लगभग आठ दिन के लिए ताकि मुझे रोज़ हिलाना है इसे इधर उधर रखी तो भूल ना जाऊं बोलकर यूसुफ थक गया है पानी भरने के लिए आया है ये उसके दूसरे दिन की सुबह है ककड़ी आई थी ककड़ी लाने को गई तो मोटी मोटी हरी मिर्च मिल गई मुझे वो भी मैंने एक किलो ला ली धोकर ऊपर सूखने ला कर रखी हूँ बस दो एक घंटे सूखाया है इसको जस्ट ऊपर का पानी निकल जाए बोलकर इसकी मैं दही मिर्च बना रही हूँ ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है बहुत तीखी मिर्च का बनाएंगे ना तो वो तीखापन बच्चे वगैरह खा नहीं पाएंगे वन थर्ड कप उतना ज़ीरा लिया है और उसी का आधा कप मैंने नमक लिया है और उसे भून कर ठंडा होने के लिए रख दिया देखिए अचार काउंटर पर रखने की वजह यह है चलते फिरते सुबह शाम मैं भी हिला सकती हूँ या तो फिर मैं अगर भूल जाऊँ तो मैं पात्री साहब को बता देती हूँ आठ दिन इसको हिलाते रहना है पात्री साहब बोलकर वो चाय पीने आते हैं कुछ करने आते हैं ना तो हिला कर जाते हैं मिर्च देखिए इस तरह से मैं टेस्ट करके ही लेती हूँ पहले ज़ुबान पर लगाती हूँ अगर बहुत तीखी है तो मुझे बिरयानी के लिए लगती है बाकी चीज़ों मैं कम कम डालती हूँ और ये तो अच्छी खासी फीकी ही मिर्च है जस्ट तीखी है देखिए यहाँ बोल रही हूँ मैं <laughs> आप संभल कर खाना अगर ऐसा खाने वाले हैं मैं तीखा बर्दाश्त कर लेती हूँ ज़ीरा भूनने के बाद पूरा ठंडा हो गया है अब उसका आधा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ये अच्छा खासा साल्टी बनेगा और आधा चम्मच मैंने इसमें हींग डाला है अब इसको बारीक पीस लेंगे ज़ीरा जल्दी बारीक नहीं होता है सुकून के साथ अच्छे से बारीक होने तक पीस लें मिर्च को बीच से चीरा लगा लिया है ये देखिए इस तरह से और नमक काफ़ी ज़्यादा है तो एक मिर्च के लिए एक बड़ी चुटकी भर के वो जो मसाला है ना वो बस हो जाएगा अगर ज़्यादा लगाएंगे तो पूरा साल्टी साल्टी बनेगा अगर मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी है तो इस तरह से बीज निकाल कर भी मसाला भर सकते हैं वैसे मेरा बहुत सिंपल मसाला है ये मेरी नानी की रेसिपी है मैं बहुत छोटी थी तो मेरी नानी बोले थे यहाँ सब मसाला नहीं डालना उसमें तिल वगैरह सब खाली जीरा हिंग नमक व डालना बोलके के तो मैं तब से अब तक यही रेसिपी यूज़ करती हूँ और जो भी कोई खाते हैं माशाल्लाह बोलकर ही खाते हैं देखिए अब इसको है ना ऊपर से भी मैंने ये मसाला डाल दिया अब ढक कर ये सुबह के दस बज रहे हैं अब ढक कर इसको मैं शाम तक ऐसे ही रखूँगी और ये हमारा आज का लंच है मेरा यूसुफ़ का मैंने आधी ही जवारी की रोटी खाई थी क्योंकि बेसन का चीला बड़ा हो गया था और ठंडी के दिन चल रहे हैं तो मैं तो कॉफ़ी ज़्यादा पी रही हूँ मेरे साथ बराबर यूसुफ कॉफी कॉफ़ी पी रहा है देखिए जैसे ही बना रही हूँ अम्मी मुझे भी मुझे भी वैसे बहुत छोटा था तब से ठंडी के दिन में चाय और कॉफ़ी कंटिन्यू पीता ही है वो लेकिन उसको कॉफ़ी कम लगती है मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगती है वै? वै? <laughs> क्या गलत गाना <laughs> और मेरा यूसुफ़ है ना जी मेरे जैसा है मैं भी बचपन में कहीं शादी है गली में अगर दावत ना आई हो ना तो अम्मी को तीन तीन बार पूछती थी अम्मी दावत हम ना नहीं आई अम्मी दावत हम ना नहीं आई बोल के मेरा यूसुफ भी कंटिन्यू चालू है उसका ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है अम्मी वो मंडप की दावत नहीं आई हमको बोल के एक्चुअली आई है पर खाना बाहर है यहाँ है उतना कुछ पता नहीं है ना जी वो सामने वाले दीदी के साथ थोड़ी बहुत ही बातें होती है ये देखिए अब ये रात के आठ बज रहे हैं इसमें आ, जस्ट नमक का पानी छूटा है मिक्स कर रही हूँ अब इसको मैं टेस्ट करूँगी अगर साल्टी साल्टी लगा तो ठीक है जो बाकी का मसाला है वो नहीं डालूँगी अगर नहीं साल्टी लगा कम साल्टी लगा तो पूरा मसाला डाल दूँगी उतना मसाला लगा है ये भी एक किलो से सवा किलो तक मिर्च है इसके लिए जो मैंने ज़ीरा लिया जो मैंने नमक लिया वो परफेक्ट हो गया दही फेट के डालना है खट्टा दही है खट्टा दही ही डालना है इसमें और मैंने उसी पैकेट में ही फेंट दिया दो पैकेट आधा लीटर दही लगा है इसको इसके बाद अच्छे से मिक्स किया और बहुत सारे लोग हैं ना ये मिर्च दिन में सूखने डालते हैं फिर रात में लेके आके उसी दही के पानी में जीरे के पानी में मिक्स करके रखते हैं ऐसा ना करें जी मिर्च का टेस्ट पूरा निकल जाएगा सिर्फ वो दही का वो खट्टा खट्टा अजीब टेस्ट आएगा आ, ये जो रेसिपी है ना ये सुपर टेस्टी बनेगी जीरे का भी परफेक्ट फ्लेवर आएगा और आ, हरी मिर्च का भी और क्या बोलते हैं दही का भी यहाँ मैं मेरा डाइट चल रहा है ना हमेशा कुछ ना कुछ बना के ही रख रही हूँ अगर जल्दी से भूख लगे तो मैं फटाक से निकालूँ और बना के खा लूँ झंझट ना मोल लूँ बोल के ककड़ी बीज वाली है ऐसे बीज अगर वो चीले में आए ना अच्छा लगता है जी खाने में कचर कचर <laughs> <laughs> तो उसको खिरच ली छील के कड़ू है क्या देखी उसके बाद खिरच ली इधर चार मोटी मूंग की दाल भिगो ली थी तीन चार घंटे पहले पानी डिस्कार्ड कर दिया मूंग पहले बारीक पीस ली आज तो ठंडी की हवाएं और ठंडी की सुपर सुपर रेसिपी चल रही है इनशाला आने वाले वीडियोज़ में भी ऐसे ही चार पाँच छः रेसिपीज़ लाऊंगी सब्जियों की ठंडी की रेसिपीज़ और वो भी सिंपल कम टाइम में सुपर टेस्टी बनने वाली एक प्याज़ एक टमाटर डालकर भी उसे पल्स में पीसा है ताकि टमाटर और प्याज उसमें उसके चंक्स रहें उसके बाद हरा धनिया दिल खोल के डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर वन फोर्थ चम्मच धनिया पाउडर वन फोर्थ चम्मच साबित ज़ीरा दो चुटकी साबित अजवाइन और हिसाब से नमक मैंने इसमें नमक कम डाला है क्योंकि मैं नमक कम खा रही हूँ नमक कम खाने की वजह से स्वेलिंग कम रहती है इसको भी मैंने पल्स में ही पीसा है ताकि हरे धनिया ऐसा खुला खुला दिखे इसमें अगर बारीक पीसूँगी तो सारा ग्रीन हो जाएगा तो मैंने उसमें पल्स में पीस के हरा धनिया जैसा बारीक काट के डालते हैं ना वैसा लग रहा है और वो जो ककड़ी खिरच के रखी थी उसमें मिक्स करके अब इसको रख दूँगी फ्रिज में ये देखिए मैं और साधना भाभी यहाँ पर चूड़ी पहनने के लिए आए हैं अभी यहाँ पर पता चला कि डिनर भी यहीं पर है तो यूसुफ़ को बोली थी मैं जाकर आंटी को हाथ में चॉकलेटी थे तो वो बंगड़ी वाले ने वैसे ही चूड़ी डाल दिया उनको ये देखिए मैं ये गोल्डन वाली चूड़ी ली हूँ और यहाँ खाना लगा है आप लोग मुझे हमेशा पूछते हैं आप किसी की शादी में नहीं जाते क्या किसी फंक्शन में नहीं जाते क्या बोलकर एक्चुअली मैं अपने रिश्तेदारों से बहुत दूर रहती हूँ बस हर फंक्शन में सब लोग मुझे याद ही करते हैं आपकी तो तरफ, तरफ लोग पहले बच्चों की छुट्टियों में अक्सर जाती थी साल में दो बार तीन बार पर अब नहीं हो रहा है इन भी यूसुफ़ का कॉलेज ख़त्म होने के बाद सोच रही हूँ कि जो भी मेन मेन फंक्शन होंगे उसको मैं ज़रूर आ, क्या करूँगी अटेंड करूँगी इन आप भी दुआ करें जी मैं भी मेरे रिश्तेदारों में साल में चार बार तो मिलने जाऊँ ये उसके दूसरे दिन की सुबह है दही में मिर्चियाँ अच्छे से भीग गए हैं अब इसको ऊपर लाकर सूखने डाल रही हूँ जो दस किलो की कैरबैग आती है ना गेहूँ वगैरह डालकर उसको मैंने कट कर दिया बस उतना ही प्लास्ट प्लास्टिक मुझे बस हो जाएगा हाँ ये जो दही का पानी है ना आप इसमें दूसरे फ्रेश मिर्ची डालकर कर भिगो डाल सकते हैं पर वापिस ले जाकर वही दही यही मिर्च उसमें मत भिगो ये टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा इसको आठ से दस दिन लगेंगे सूखने में और रात में फैन के नीचे रखना है इसको चलिए वीडियो खत्म करते हैं तो यह है धोने के बर्तन जो अम्मी जी धोने वाले हैं और बर्तन अम्मी जी को बोल रहे